नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर MCA श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में। दोस्तों जब भी हम MT4 या MT4 से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालते हैं या किसी भी वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि MetaTrader 4 जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में भी बताइए, कुछ कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र या कुछ प्रॉफिटेबल ऐसा टूल बताइए जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो और फॉरेक्स के लिए भी लोगों के लिए, ट्रेडर्स के लिए जो कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सपर्ट एडवाइज़र फॉरेक्स के लिए, एक ये हम लेके आए हैं आपके लिए जो कि आपको आपकी ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा और आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ भी कर देगा। एक्सपर्ट एडवाइज़र में हमने दोस्तों क्या किया है कि क्वांटिटी मैनेजमेंट का सिस्टम भी डाला है, मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी उसमें सेट हो सकती है और उस सेट क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली वो ट्रेड करता है। और आप देखेंगे पिछले 2 से 3 महीने का रिस्पांस या रिज़ल्ट भी कि उसने कितना प्रॉफिट करके दिया है, किस तरीके के जो रिज़ल्ट आपको उसमें सामने आए हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है। पहले दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो सॉफ्टवेयर अभी आपको दिख रहा है वो है MetaTrader 4 सॉफ्टवेयर। और MetaTrader 4 सॉफ्टवेयर में जब हम कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र या कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र लगा के उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर जो ये ऑटो ट्रेडिंग लिखा हुआ है इसको हमें ऑटो ट्रेडिंग पे क्लिक करके इसको ट्रू करना होता है। साथ ही साथ इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमें करनी होती हैं, जैसे कि जब भी कभी आप कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र को पेस्ट करेंगे तो आपको फाइल में जाना होता है, उसके बाद ओपन डेटा फोल्डर में जाना होता है और ओपन डेटा फोल्डर के अंदर आपको MQL4 के नाम से फोल्डर मिलता है और वहाँ पर एक एक्सपर्ट का फोल्डर मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस EA को, उस एक्सपर्ट एडवाइज़र की फ़ाइल को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट कर देने के बाद हमें एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में पूरा यहाँ पर पता चल जाता है कि एक्सपर्ट एडवाइज़र के फोल्डर में हमें वो पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर वो दिखने लगेगा आपको। जब आप पेस्ट करेंगे उसके बाद आपको राइट क्लिक करना होगा चार नेविगेटर विंडो में और रिफ्रेश के बटन को प्रेस करना होगा। अगर आप रिफ्रेश के बटन को प्रेस करेंगे तो वो आपको यहाँ पर बॉटम पर एक्सपर्ट के अंदर वो फाइल दिखने लगेगी। अब आते हैं दोस्तों EA के बारे में जानकारी लेने के लिए कि EA का परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरीके के रिजल्ट्स EA ने दिए हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे चार्ट के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक्सपर्ट एडवाइज़र को रन करता हूँ स्ट्रेटजी टेस्टर पे। MetaTrader 4 में दोस्तों एक स्ट्रेटजी टेस्टर का ऑप्शन होता है जिसमें कि आप कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी एक्सपर्ट एडवाइज़र को चला सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, वर्चुअल मोड में भी चला सकते हो और बिना वर्चुअल मोड के भी चला सकते हो। वर्चुअल मोड में चलाने में यानी कि विजुअल मोड बोलते हैं उसको, विजुअल मोड में चलाने से क्या होता है कि वो आपको रनिंग में लाइव दिखाई देगा कि इस दिन क्या हुआ, इस दिन कौन सा सिग्नल आया, कितने प्राइस पर सिग्नल आया। और अगर आप विजुअल मोड को ऑन नहीं करते तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें तो दिखाई नहीं देंगी कि किस रेट पे आपका जो है, मतलब चीज़ें दिखाई नहीं देंगी कि कभी कब आपका बाय हुआ, कब सेल हुआ, लेकिन साथ ही साथ आप प्रॉफिटेबिलिटी और वगैरह रिजल्ट और सब चीज़ें देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से एक्सपर्ट एडवाइज़र काम करता है। चलिए इसको स्ट्रेटजी टेस्टर पर रन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो टैब है उसमें एक्सपर्ट एडवाइज़र को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो भी हमारा एक्सपर्ट एडवाइज़र हमने लगाया है उसको यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपर्ट एडवाइज़र जो है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। साथ में सिंबल हमें सिलेक्ट करना होता है कौन से सिंबल में हमें इसको रन करना है, इसके लिए मैं यूरो USD को यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं हम एक्सपर्ट प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पर जाके हम अपने स्ट्रेटजी के जो पैरामीटर्स हैं, जो इनपुट्स हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनको मैनिपुलेट करने के बाद जो भी हम चाहिए उस तरीके से हम उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस वगैरह की इन्फॉर्मेशन आती है, साथ में टेस्टिंग के लिए कितना अमाउंट आपको यूज़ करना है वो टेस्टिंग अमाउंट में आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर डालने के बाद जब आपको ओके करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से जो आपने सेटिंग वहाँ पर की है उसी सेटिंग के हिसाब से ये आपको परफॉर्मेंस शो करेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर यूज़ डेट का ऑप्शन है। यूज़ डेट के ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आप यूज़ डेट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर कोई डेट डालेंगे इतनी डेट से फ्रॉम टू की जो डेट आती है, जैसे ये यहाँ पर फ्रॉम और टू आ रही है, यहाँ पर जो डेट्स आप रेंज सेट करेंगे उस रेंज के अंदर के आपको स्ट्रेटजी टेस्टर पर रन होगा स्ट्रेटजी। उसके बाद आते हैं विजुअल मोड पर। दोस्तों अगर विजुअल मोड को ऑन करते हो तो स्ट्रेटजी धीरे धीरे रन होती हुई आपको दिखाई देगी
उसको मैं अभी करके दिखाऊंगा। और अगर आप विजुअल मोड को ऑफ रखते हो तो सीधा थोड़ा फास्ट परफॉर्म करेगी स्ट्रेटजी और आपको बता देगी कि एक्चुअल में क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पर स्प्रेड की बात करेंगे दोस्तों, तो स्प्रेड में क्या होता है कि कितना स्प्रेड आपको रखना है कितने पिप्स का, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। करंट स्प्रेड सेट करने का मतलब ये है कि जो भी स्ट्रेटजी अभी आप रन कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी में उस सिंबल के ऊपर जितना भी स्प्रेड अभी चल रहा है वो सेम स्प्रेड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये था दोस्तों स्प्रेड के बारे में। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको बताता हूँ आपको कि कौन से पीरियड में इसको यूज़ करना है। हमने इसको H1 में यूज़ किया है, यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यूज़ किया है। और उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने से मुझे पता लगेगा कि किस स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको अभी आगे बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने इसे स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद ये अभी डाटा कलेक्ट कर रहा है और डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको जो ये यहाँ पे परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई देगा। अभी देखिए अभी ये परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर अगर आप रिजल्ट में देखेंगे तो आपको ट्रेड्स दिखाई देंगी, ट्रेड्स बढ़ती हुई घटती हुई यहाँ पर देख रहे हैं आप। प्रॉफिट लॉस की फिगर्स आपको दिखाई दे रही होंगी, कितने प्राइस पर ट्रेड आया, क्या टारगेट लगा, कुछ सब सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर आप ये ग्राफ पर जाएंगे तो आप ये देखेंगे ग्राफ एकदम से नीचे आया है, यहाँ पर लमसम $200 के आसपास का नुकसान हुआ और उसके बाद आपका ये बढ़ते 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 फिर से वापस आपका ऊपर चला गया और यहाँ पर $1500 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आते हैं दोस्तों रिपोर्ट्स की तरफ। तो रिपोर्ट्स में अगर हम देखेंगे स्ट्रेटजी के बारे में तो हमें दिखाएगा कि $10,000 की हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी थी जिसमें से $1622 का हमारा प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट फैक्टर 2.03% के आसपास का यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये तो हो गया कि डायरेक्ट हमने बिना विजुअल मोड के किस तरीके से एक्सपर्ट एडवाइज़र को रन किया तो उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से आई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव दिखाई दे कि किस तरीके से ट्रेड हो रही है तो उसके लिए आप यहाँ पर विजुअल मोड को ऑन कर सकते हो। और जब वीडियो विजुअल मोड को ऑन करके जब आप इसे स्टार्ट करोगे तो धीरे 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 आपको ये ट्रेड्स जो चलती हुई दिखाई देंगी, आपको दिखाई देगा किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग हो रही है। ये देखिए अभी तो ये काफ़ी स्लो चल रहा है क्योंकि मैंने इसकी स्पीड को बहुत स्लो कर दिया। अगर मैं इसको फास्ट करूँगा तो ये धीरे 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 फास्ट होता हुआ चला जाएगा। देखिए ये देखिए दोस्तों अब ये फास्ट हो गया, फास्टली बता रहा है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ सिग्नल आ रहे हैं, कहाँ टारगेट्स ले रहा है, कहाँ स्टॉप लॉस ले रहा है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में हमने बताया आपको कि किस तरीके से आप एक्सपर्ट एडवाइज़र को चला सकते हो और कौन से एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ये हमारा खुद का एक्सपर्ट एडवाइज़र जो हमने रिसेंटली बनाया है। अगर आप चाहते हो एक्सपर्ट एडवाइज़र का डेमो लेना तो आप हमें दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो भी सब्सक्रिप्शन की डिटेल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हो जो कि www.mcxshorgain.com है। दोस्तों एक्सपर्ट एडवाइज़र का डेमो आपको 6 दिन का मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं हमें नंबर्स पे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग।